हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। ये वीडियो लास्ट तक देखना ताकि आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर पता चल सके, क्योंकि आज मैं जो जवाब देने वाला हूँ वो जवाब मैं देने वाला हूँ उस सवाल का जो हर एक फिल्मी फैंस के मन में है, चाहे वो अक्षय कुमार का हो, चाहे रजनीकांत का हो, चाहे नॉर्मल सिनेमा फैंस हो। सभी ये सोचते होंगे या सोच रहे होंगे कि भैया दिसंबर में रिलीज होने वाली फिल्म, दिवाली 2017 में रिलीज होने वाली फिल्म इतनी देर के बाद क्यों रिलीज हो रही है, यानी कि आखिर ये फिल्म रिलीज क्यों हो रही है अप्रैल में, वो भी 27 अप्रैल को। क्या प्रॉब्लम है, इतनी लेट क्यों? यहाँ पर एक बढ़िया रीज़न सामने आया है, या और ये रीज़न बिल्कुल कन्फर्म है और मेकर्स के की तरफ से ही रीज़न। मैं आपको रीज़न बताता हूँ आखिर क्यों 2.0 इतनी डिले हुई है, क्योंकि हमें जो रीज़न बताया गया था मेकर्स की तरफ से कि पोस्ट प्रोडक्शन वर्क में डिले हो रहा है। अब मेकर्स भी इतने पागल थोड़ी है, मेकर्स को ही पता होगा उनकी फिल्म कब तक बन जाएगी, तो फिर क्या रीज़न था? चलिए मैं एक्चुअल रीज़न आपको बताता हूँ। तो एक्चुअल रीज़न मुझे पता चला है, एक्चुअल रीज़न ये है कि 2.2 डिले इसलिए हुई है क्योंकि VFX का काम जो दिया गया था किसी एक हॉलीवुड कंपनी को लाइका की तरफ से, लाइका यानी प्रोडक्शन कर रही है जो 2.0 का, लाइका ने प्रोडक्शन काम दिया था कोई हॉलीवुड की VFX कंपनी में ताकि एक पोस्ट प्रोडक्शन वर्क अच्छी तरह से हो। अलग अलग VFX कंपनी को दिया था, कुछ कुछ पोर्शन ऐसे दिए जाते हैं क्योंकि VFX करना बहुत ही मुश्किल जॉब होता है। तो जो उसमें से एक कोई VFX कंपनी थी उसने अपना काम प्रॉपर तरह से नहीं किया है और वो टाइम पे भी वो काम नहीं कर पाई, इसी के वजह से पूरी की पूरी फिल्म डिले हुई है। अब लाइका वाले यानी कि जो प्रोडक्शन हाउस है 2.0 का, वो अब एक लॉ सूट केस फाइल करना चाहता है, यानी कि केस फाइल करना चाहता है उस कंपनी के ऊपर, यानी कि जो हॉलीवुड की VFX कंपनी है जिसने टाइम पर VFX बना के नहीं दिया। अब वो काम लाइका ने VFX का वहाँ से लेकर किसी और कंपनी को दिया है, इसीलिए ये सब तामझाम में इतना वक्त चला गया। और यहाँ पर अगर बात करें कि 450 करोड़ में बनी फिल्म का जब इतना ज़्यादा डिले होगा तो उसका बजट भी और बढ़ेगा और जाके उसको नुकसान भी चांसेस तो नहीं है, बट स्टिल जितना लेट होता है उतना नुकसान होने के भी चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो क्या लगता है आपको, ये रीज़न कितना वैलिड है, कितना सही है? मेरे हिसाब से तो रीज़न बिल्कुल सही है और सीधी सी बात है, 4-5 महीना अगर डिले होती कोई फिल्म तो कोई नॉर्मल रीज़न तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिलहाल कितना ही, शबा।